ये मुल्तान सुल्तान का खिलाड़ी जो है एंडी फ्लावर वो छोड़ के चला गया आईपीएल सीजन आधे में, देखिए जरा आईपीएल खेलने के लिए ये क्या वजह है? अब ये आईपीएल खेलने के लिए जाहिर है एक तो फर्क होता है जरा कॉन्ट्रैक्ट का, अनवर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था कि अब इनकी बोलियां लगती हैं, ये बिकाऊ हो गए हैं। क्या वजह है पीएसएल मिड में छोड़ करके आप अपनी टीम को जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट की खातिर? ये एथिकली सही है? जाना नहीं चाहिए उनको, यानी कि उनको भी समझना चाहिए क्रिकेटर जो है यहाँ भी खेलता है यहाँ भी खेलता है, ठीक है खेलता है, मगर उनको दोनों में से कोई भी अगर ऐसा है कोई प्रॉब्लम होता है प्लेयर को तो उन्हें एडजस्ट करना चाहिए कि आप इतनी देर आ जाइए। तो जैसे हम लोग काउंटी क्रिकेट खेलते थे जब टेस्ट मैचेस होता था तो हम रिलीज होते थे जब तक मैच होते थे महीना डेढ़ महीने दो महीने फिर जाके ज्वाइन कर लेते। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए जो क्लब होती है जो टीम जिसकी है उनको ये चीजें देखनी चाहिए कि ये क्रिकेट की ब्रेड एंड बटर भी तो है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, उन्हें आपके लिए खेल रहे हैं दूसरे के लिए खेलते हैं, अभी एक चांस है उनको क्रिकेटर एवरी डे तो नहीं कमाता ना। तो अगर जब ऐसी चीजें आई हैं तो उस पर हर एक को एडजस्ट करना चाहिए अगर हो सकता है। यानी क्रिकेटर जो है वो भी दिहाड़ी लगा रहे हैं, दिहाड़ीदार तबका हो चुका है, इन्होंने पीएसएल में लगाया अब आईपीएल। दिस इज द ओनली टाइम इन एक असल में कि हमारे सबकी लड़कों की बोलियां लग रही हैं, लग रही हैं क्योंकि क्रिकेट ही डिफरेंट है, उनको लेना पड़ रहा है। वो तो चुका था इंडिया माता नहीं, वरना इंडिया भी लेता पाकिस्तान के। हाँ बिल्कुल, सारे बॉलर ले लेता। ये देखिए आप, उन्होंने तो बड़ी कोशिश की थी वसीम भाई को भी वहां रोकने की, लेकिन वो सुष्मिता सेन का रिश्ता हो नहीं पाया। उन्होंने कहा कि कोई तो फास्ट बॉलर मिले हमें किसी तरीके। बचपन में अगर आपको वो बल्ला मिल गया होता, अब्बा ने दे दिया होता तो आप सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।